मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि वो एक के साथ एक चीज फ्री नहीं लेके आता, बल्कि अनेक चीजें फ्री लेके आता है। अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि डाइटिंग मोटापा कम करने की बहुत ही घटिया टेक्निक है। डाइटिंग से क्या होता है कि बॉडी वीक हो जाती है और वीक बॉडी कभी भी कोऑपरेट नहीं करती आपसे। आज बात करेंगे मोटापे के बारे में। जी हाँ, मोटापा एक ऐसी बीमारी जिसके कारण आपको बीपी हो जाता है, मोटापे के कारण आपको शुगर हो जाती है, मोटापे के कारण आपको घुटनों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर का दर्द शुरू होने लग जाता है, आपके अंदर सुस्ती बढ़ जाती है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पाता है पूरी बॉडी के अंदर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि वो एक के साथ एक चीज़ फ्री नहीं लेके आता, बल्कि अनेक चीज़ें फ्री लेके आता है। और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि आप मोटापे से घबराएं नहीं, मोटापा चंद दिनों के अंदर दूर हो सकता है केवल और केवल डाइट के माध्यम से। और पांच पिलर के बारे में डॉक्टर साहब हमेशा बात करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो पांच पिलर क्या हैं और किस प्रकार से आप घर पर रहकर आप मोटापे को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वाकई मोटापा घर रहकर भी ठीक हो सकता है? जो लोग बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, जिम के अंदर जाते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, क्या वो सारी चीज़ें सही हैं? देखो, वो जो बातें की जा रही है ना, एक तो जो आप डाइटिंग की बात की आपने, डाइटिंग बिल्कुल ही अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि डाइटिंग मोटापा कम करने की बहुत ही घटिया टेक्निक है जी। उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइटिंग से क्या होता है कि बॉडी वीक हो जाती है और वीक बॉडी कभी भी कोऑपरेट नहीं करती है आपसे। वीक बॉडी फिर आपके अंदर पागलपन पैदा करेगी खाने का, आपका क्या होगा कि एकदम से तो आपका वेट कम हो जाएगा, आप बड़े खुश हो जाओगे, लेकिन 10, 15, 20 दिन महीने के बाद बॉडी इतना पागलपन पैदा कर देगी खाने का कि उल्टा आपका वेट पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अक्सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैंने जी डाइटिंग की, पहले तो बहुत बढ़िया रहा, बाद में और भी ज़्यादा। बिल्कुल, तो मैं सभी दोस्तों को यह कहना चाहूँगा कि डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी। डाइटिंग इज़ ए टोटली अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेट, सो पहली बात। दूसरी बात आ गई एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज भी बहुत लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं और ओवर एक्सरसाइज करके अपने आप को इंजर कर लेते हैं। एम्बिशियस होके वेट कम करने के लिए ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करनी। एक्सरसाइज करनी है, मैं कोई एक्सरसाइज के ये नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन एक्सरसाइज करनी है हेल्दी रहने के लिए। उतनी एक्सरसाइज करनी है जितनी अपनी आपकी बॉडी फील गुड देती है, जहाँ तक फील गुड की फीलिंग तक। आपको बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना, आपको बॉडी को सजा नहीं देनी, पनिश नहीं करना वेट कम करने के लिए, वो मेथड भी नहीं चलेगा। आप कितनी देर पनिश करोगे, ये पनिश करोगे बॉडी बागी हो जाएगी। तो ये जो ओवर एक्सरसाइज है ये भी रिकमेंडेड नहीं है, टोटली अनसाइंटिफिक है। तीसरा, जो डॉक्टर एलोपैथी में कर रहे हैं वो तो बहुत ही वाहियात है, सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं है। वो जो पेट का आधा हिस्सा काट देते हैं भूख कम करने के लिए, या काट काट के फैट निकालते हैं, वो बहुत ही अनसाइंटिफिक और डैमेजिंग टेक्निक है। वो प्रूव हो चुका है कि वो उससे आपका वेट तो कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी तो आप खाने लगेंगे तो वेट कम हो जाएगा, लेकिन वो इतना डैमेजिंग टेक्निक है कि आपकी बॉडी को तो नरिशमेंट चाहिए। तो आपका अगर पेट ही काट दिया उन्होंने, तो पेट काटने से क्या होगा कि आपकी बॉडी को नरिशमेंट भी नहीं मिलेगी, तो आप उल्टा जल्दी मरोगे। तो आपको वो जल्दी मारने का एक बड़ा बढ़िया टेक्निक है, इसलिए वो जो सर्जरी करते हैं पेट काटने वाली या फैट निकालने वाली, वो भी ना सिर्फ अनसाइंटिफिक है, टोटली वाहियात है। और अब आए हम कि क्या टेक्निक है, क्या वेट कम करने का टेक्निक क्या है, क्यों वेट ज़्यादा होता क्यों है। पहली बात तो होता ही क्यों है। वेट ज़्यादा होने का सबसे कॉमन काज है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाना। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या मतलब है? वो खाने जो शुगर की पीक मारते हैं, एकदम से पीक मारते हैं, उसके पीछे इंसुलिन की पीक लगती है, और इंसुलिन सिर्फ शुगर को पचाने का ही एक हार्मोन नहीं है, वो मोटापा करने का भी हार्मोन है, तो वो ग्रोथ हार्मोन भी है। तो इसलिए जब शुगर हाई जाएगी, एकदम से पीक बजेगी, तो वो बॉडी के लिए अलार्म होता है, बॉडी के लिए इमरजेंसी होती है, उसके पीछे इंसुलिन की पीक दब मारनी पड़ती है बॉडी को, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का वेट बढ़ता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात है
कि हम हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड ना खाएं। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स का क्या मतलब है, जो चीनी वाली चीज़ें हैं, जो चीनी से बनी हुई चीज़ें वो नहीं खानी, जो आर्टिफिशियल मीठा है वो नहीं खाना, उसमें फल शामिल नहीं है। फल का मीठा मोटापा नहीं करता, चाहे वो केला भी हो, चीकू भी हो, जो भी हो, तो फल का मीठा मोटापा नहीं करता। लेकिन जो आर्टिफिशियल चीज, जो पर्टिकुलरली जो दानेदार चीनी है, दानेदार चीनी तो बहुत ही एक मीठी चीज़ों में सबसे घटिया चीज़ जो है वो दानेदार चीनी है, वो नहीं खानी हमको। अगर थोड़ा बहुत खाना है तो पाम जैगरी, खजूर का गुड़, या गन्ने का जो गुड़ शक्कर है, अगर ऑर्गेनिक मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और दानेदार चीनी बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात आ गई फास्ट फूड्स की, फास्ट फूड जितने भी हैं वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स हैं, वो नहीं खाने। तीसरी बात आ गई मिठाइयाँ, ट्रीट्स, आइसक्रीम, केक्स, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ, ये नहीं खाने। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही ज़्यादा शुगर होती है उनमें, बहुत ज़्यादा हाईली शुगरी हैं वो, चाहे वो रियल जूसेस भी क्यों ना हो। रियल जूसेस का मतलब ये नहीं कि वो रियल है, वो सिर्फ आपको धोखा देने के लिए उनका नाम रियल रखा गया है। कोई बॉटल बंद जूस रियल जूस नहीं होता, वो सब एसेंस डाले हुए हैं, और ना भी एसेंस डाले हो तो भी वो उनमें चीनी बहुत ज़्यादा है, शुगर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर जूस पीना है तो फ्रेश, खुद निकाला हुआ जूस पीना है, चाहे वो गन्ने का भी हो तो भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ताज़ा निकाला हुआ। तो इसलिए जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड सबसे पहले वो नहीं खाने। हमको क्या खाना है, हाई फाइबर डाइट, उसमें दूध पर्टिकुलरली जो है, दूध और गेहूं और वाइट राइस, ये तीन चीज़ें हैं मुझे लगता है हमको अपनी डाइट में से निकाल देनी चाहिए। बहुत ही स्ट्रिक्टली दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें, उससे थोड़ा सा कम स्ट्रिक्टली व्हीट, और उससे थोड़ा सा और कम वाइट राइस। राइस कभी कभी अगर एमरजेंसी में खाने पड़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो भी कोशिश करें कि ब्राउन राइस या ब्लैक राइस या रेड राइस खाएं, जो छिलके वाले राइस होते हैं। वो जो वाइट राइस है, टोटली पॉलिश्ड राइस है, वो तो शुद्ध स्टार्च है, वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। तो इसलिए कभी कभी सिर्फ एमरजेंसी में आप थोड़े बहुत चावल खा सकते हो, लेकिन रूटीन में नहीं खाने। तो रूटीन में अनाज का बदल क्या है, हमारे पास बहुत बढ़िया बदल है अनाज के, वो है सबसे बढ़िया 5 मिलेट्स, जो डॉक्टर जो खादरवली जी बताते हैं, उनका जो श्री धानिया, वो उन्होंने प्यार से, रिस्पेक्ट से, इज्जत से, उन्होंने उन 5 अनाजों को नाम दिया श्री धानिया। वो हैं कोदरा, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और स्वांख। ये हाई फाइबर मिलेट्स हैं। उसके 2 नंबर पे आते हैं जिनको वो न्यूट्रल मिलेट्स बोलते हैं, ये पॉजिटिव मिलेट्स हैं, पॉजिटिव अनाज हैं। और न्यूट्रल अनाज में से हमारे पास बहुत ही बढ़िया अनाज हैं ज्वार, जौ, मक्की और बाजरा। ये हमारे कॉमन अनाज हैं जो हमारे समाज में खाए जाते हैं। अभी रागी आ गया, रागी भी के लिया जा सकता है। किनुआ मार्केट में अवेलेबल है, किनुआ चुलाई का आटा अवेलेबल है मार्केट में। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम लोग खा सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम है हमारे पास पांचों श्री धानिया के जो मिलेट्स हैं, अगर वो खाएंगे तो मोटापा कम होगा। कितना, 3 किलो 4 किलो हर महीने कम होगा, और लगातार होता रहेगा जब तक आपका वेट नॉर्मल नहीं आता। तो उसके साथ आप मोटापे के लिए आपको थायराइड टेस्ट करवाना है, क्योंकि थायराइड अगर साथ में होगा तो थायराइड वाले का मोटापा नहीं कम होता। इसलिए थायराइड को भी साथ में ट्रीट करना पड़ेगा। उसको ट्रीट करने के लिए थोड़े से डाइट के अलावा थोड़े से हर्बल क्या हेल्प लेनी पड़ती है, और मोटापे के लिए भी हमको थोड़ा सा मेडिसिनल प्लांट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जो 5 पिलर्स की बात है, वो 5 पिलर्स हमने इकट्ठे यूज़ करने हैं। 5 पिलर्स कौन से हैं, सबसे पहला पिलर और सबसे मोटा पिलर है डाइट। अगर डाइट, जैसे मैंने बताया, ठीक खाएंगे हम लोग, डाइट ठीक खाएंगे, 50% रॉ फ्रूट और सलाद और चटनी और जूसेस और जो ड्राई फ्रूट्स हैं और स्प्राउट्स हैं, ये रॉ हो गए, और बाकी का 50% स्टीम्ड या हल्का फुल्का बॉयल किया हुआ या हल्की फुल्की आंच पे बनाया हुआ कुक्ड फूड, तो ये डाइट होगी मोटा मोटा। और नंबर 2 पे आते हैं मेडिसिनल प्लांट्स, दवा पौधे बहुत ही वंडरफुल प्लांट्स होते हैं। बहुत सारे पौधों में वेट कम करने का गुण है। जैसे मान लीजिए हल्दी है, जीरा है, अजवाइन है, पीपल है, हरशिंगार है, पनीर डोडी है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो वेट
कम करते हैं, तो उनका उनको उनको कैसे ले सकते हैं हम लोग, काढ़े की शक्ल में या मेडिसिन वाटर की तरह। मेडिसिन वाटर और काढ़े में क्या फ़र्क है, मेडिसिन वाटर हम रात को बना के रखते हैं, जैसे मेथी पानी है, हम मेडिसिन मेथी को कैसे यूज़ करना है कि रात को गरम गरम पानी के ग्लास में मेथी का एक चम्मच डाल के रख दीजिए, सुबह वो तैयार मिलेगा आपको, वो आपका मेडिसिनल वाटर बन गया। त्रिफला इसी तरह त्रिफले का चम्मच डाल दीजिए गर्म पानी में, सुबह उठ के उसका पानी पी लीजिए। इसी तरह जीरे का पानी पी सकते हैं, अजवाइन का पानी पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, गिलोय का पानी पी सकते हैं, तो ये मेडिसिनल वाटर्स हैं। और काढ़ा जो है उसको फिर बॉयल करना है 5 मिनट के लिए, और बॉयल करके उसके बाद उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो आजकल सर्दियाँ जैसे खजूर डाल सकते हैं काट के, वो मीठा अपने आप ही कर देगी, खजूर डाल के उसको आप ले सकते हो। अगर नहीं खजूर का मौसम है तो थोड़ा गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। तो ये काढ़े की शक्ल में मेडिसिनल प्लांट्स लेने बहुत ही उत्तम है। फिर फक्की हैं, फक्की की शक्ल में भी लेते हैं। होल प्लांट्स, जो होल प्लांट्स हैं ताज़े प्लांट्स मिल जाएँ तो बहुत ही बढ़िया, उसके ताज़े फ्रेश हो, नहीं तो फिर पाउडर फॉर्म में जो पाउडर होते हैं उनको हम फक्की बोलते हैं। हमारे कल्चर का वो पार्ट है, कब्ज़ की फक्की, मोटापे की फक्की, शुगर की फक्की, ये फक्कियाँ हमने बहुत सारी फक्कियाँ बनाई हुई हैं। फक्की का क्या मतलब है कि वो जो उसका जो पार्ट प्लांट का मेडिसिन गुणों से उत्पोत है उसको हम पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं, ड्राई करके छाया में शेड में ड्राई करके उसका पाउडर बना लेते हैं, उसको हम फक्की बोल देते हैं। तो फक्की अलग अलग त्रिफला भी एक फक्की है, तो इसी तरह कब्ज़ की फक्की, आपने पॉपुलर सुनी होगी कब्ज़ की फक्कियाँ आती हैं, इसी तरह मोटापे की फक्की भी आती है। तो ये फक्कियाँ जो है ये भी बहुत बढ़िया हैं, फक्की साथ में ले सकते हैं हम मोटापे के लिए भी। नंबर दो पिलर ये हो गया मेडिसिनल प्लांट्स का। तीसरा पिलर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमको एक्सरसाइज कितनी किस्म की हो सकती है, एक तो जनरल एक्सरसाइज का एक्सरसाइज में क्या आएगा, जैसे आपने वॉक करते हैं, सैर करते हैं, दौड़ते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, जो कोई लड़कियां रस्सी वाली जो उनकी है हॉपिंग, रस्सी टपना जिसको बोलते हैं, वो 500-600 बार तक लड़कियां बड़े आराम से एक वन गो में कर लेती हैं, तो वो करना। या कोई गेम खेलनी, फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई चिड़ी छिक्का खेल रहा है, तो ये गेम्स हैं, तो ये जनरल एक्सरसाइज हो गई। तो एक होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में जैसे योगा के आसन है। योगा के आसन तो चलो सिस्टमेटिक हैं, बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हुए हैं। अगर जिसको योगा नहीं भी आता तो वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम अक्सर स्कूल में करते हैं, पीटी एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं हम लोग, वो अलग अलग पार्ट की। उसका पर्पज़ क्या है कि पूरी बॉडी के हर जोड़ को उंगली से लेके मुँह तक सब अकेले के लिए जोड़ को हमने स्ट्रेच करना है। और स्ट्रेचिंग का जनरल प्रिंसिपल हमने रखना है कि 10-15 बार नॉर्मल स्पीड में, फिर 5 बार थोड़ा सा स्लो, फिर लास्ट में उसको स्ट्रेच करके रोक लेना है, या पीछे किया तो ऐसे इसको रोक के रखना है। तो इनका अलग अलग इफेक्ट होगा, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। और तीसरी होती है लोकलाइज्ड एक्सरसाइज। मान लीजिए आपकी आंखें कमज़ोर है तो आंखों की एक्सरसाइज है, आपको मुंह की कोई तकलीफ है तो योगा का माउथ योगा है, आपको पीठ की तकलीफ है तो पीठ की एक्सरसाइजेज है, आपको टांग की कोई प्रॉब्लम है टांग की, तो वो लोकलाइज्ड एक्सरसाइज। तो तीन किस्म की एक्सरसाइज होगी, जनरलाइज्ड एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और लोकलाइज्ड एक्सरसाइजेस। तो ये तीनों को आपको अलग अलग अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से, एक्सरसाइज इज मस्ट। एक्सरसाइज के बिना कोई व्यक्ति हेल्दी नहीं रह सकता आज के ज़माने में, तो एक्सरसाइज है क्योंकि आज और फिजिकल वर्क है नहीं कोई भी। पुराने ज़माने में तो नेचुरल फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा था, जैसे कोई चक्की चला रहा है, कोई पानी का पंप ले रहा है, कोई सर पे बोझ उठा रहा है, कोई चारा ढो रहा है, कोई पानी ढो रहा है, तो वो अपने आप में अक्सर ये लोगों ने देख कैलकुलेट किया कि जो पुरातन आज से 50 साल पहले जो कोई व्यक्ति था वो 18-20 किलोमीटर तो नॉर्मली वॉक करता था, और आज के ज़माने में 1 किलोमीटर वॉक करके भी अपने आप को बहुत समझते हैं कि हमने बड़ा अचीवमेंट कर ली। तो 18 किलोमीटर वॉकिंग थी उसकी, बाकी जो गेम्स थी बच्चों की वो भी आपको जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको उनसे पूछ के देखिए, वो सारी की सारी गेम्स ऐसी थी बहुत भागने दौड़ने वाली। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज तीसरा पिलर है। चौथा पिलर है माइंड मैनेजमेंट। उदासी या जिसको बोलते हैं डिप्रेशन और चिंता, और जो मानसिक तौर पे जिसको कहते हैं जो डाउन रहना, चढ़दी कला में ना रहना,
चर्बी कला में ना रहना वो जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। जो लोग मानसिक मेंटली डाउन रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, खुश नहीं होते, दुखी रहते हैं, वो बीमारियों को अवॉइड करते हैं। तो इसलिए खुश रहना बेहद ज़रूरी है। चढ़दी कला जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, चढ़दी कला च रहना बहुत ज़रूरी है। चढ़दी कला नानक नाम चढ़दी कला, चढ़दी कला जो होती है, जो 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 चढ़दी कला में रहना, क्योंकि परमात्मा ने कुदरत ने हमें ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, बहुत ही उत्तम है, आसपास में इतनी सुंदरता दी है कि हमको कोई उदास होने की बात ही नहीं है। हम ऐसे ही अपने इमेजिनेशन में, अपने ख्यालों में ऐसी ऐसी दुनिया खड़ी कर लेते हैं जिसमें हम उदास रहने लगते हैं। तो उदास रहना बहुत ही नेचर की और परमात्मा की तौहीन है अगर हम ज़िंदगी में उदास रहते हैं तो, क्योंकि उदासी क्यों रखनी, जिस परमात्मा ने इतना कुछ दिया है उसको उसको तो हमेशा धन्यवाद की स्थिति में हमको रहना चाहिए, थैंकफुलनेस। अगर थैंकफुलनेस में रहेंगे हम तो कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आप बिल्कुल ही हर वक्त यही कहते रहते हैं कि हमको कम मिला है और चाहिए तो वो बीमारी इन्वाइट करेंगे। तो ये खुश और थैंकफुलनेस में रहना, जो खुशी और थैंकफुलनेस में रहना बहुत ही ज़रूरी है। और ये चौथा पिलर हो गया। और पांचवा पिलर है कि अलग अलग पैथीज को हमने अपने अकल को यूज़ करके, अपनी सियानप को यूज़ करके, अपनी विजडम को यूज़ करके अडल्ट पैथीज को यूज़ करना है। जैसे होम्योपैथी कर सकते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया, आयुर्वेद कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, योगा को कर सकते हैं, नेचुरोपैथी को कर सकते हैं, ये बहुत ही उत्तम थेरेपीज पैथीज हैं। और लास्ट में अगर आपको लगता है कि आपको एलोपैथी भी यूज़ करनी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एलोपैथी भी बहुत बढ़िया, इसमें बहुत सारी साइंसेज में इतनी बढ़िया चीज़ें हैं कि आप एलोपैथी को यूज़ कीती है, लेकिन अपने अपनी पूरी विवेक, अपना पूरी 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 दिमाग यूज़ करके और आसपास में पूरा डिस्कस करके, क्योंकि एलोपैथी में व्यापार इतना ज़्यादा हो गया है कि उसमें धोखाधड़ी बहुत है। और बिना मतलब के आपको दवाइयाँ खिलाई जाएंगी, या बिना मतलब के टेस्ट किए जाएंगे, या बिना मतलब के सर्जरी की जाएगी, इसकी इसका खतरा बना रहता है। तो इसलिए जब भी आप एलोपैथी का यूज़ करें, करें ज़रूर जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ही सियानप से, बहुत ही सूझ से, बहुत आसपास में डिस्कस करके, एक से ज़्यादा राय लेके। तो ये पूरे के पूरे पांच पिलर्स हैं जिनको यूज़ करके हम सब बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और मोटापे का इलाज 100% है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वाइटनेस वाले चक्कर में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि चक्कर पता क्या है, अब मिलेट, अब हम बनाते हैं नट्स मिल्क, वो भी तो वाइट है जी। नट्स मिल्क बनाएंगे वो भी वो भी तो वाइट है ना जी, जी। तो इसलिए वाइट नारियल, नारियल गिर भी वाइट है जी। तो ये वाइटनेस का सवाल नहीं है, सवाल है वाइट जो रिफाइंड वाइट है, रिफाइंड वाइट, जैसे चीनी है वो रिफाइंड है जी, नमक है जो मार्केट में अवेलेबल है वो रिफाइंड है जी, ठीक है। इसी तरह दूध जो है, दूध तो वैसे ही बॉडी बॉडी के लिए कोई जो जो गाय भैंस का दूध है वो बॉडी के लिए वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया खुराक नहीं है, बॉडी उसके बिना बहुत अच्छी खुश रहती है। लेकिन अगर आपको यूज़ करना ही हो तो फिर दही वाली चीज़ें जो उसको जमा करके, दही वाली चीज़ों का इस्तेमाल मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू मिल्क। तो दूध, दही, दूध, दूध से चार चीज़ें बनती हैं, दूध से दूध, दूध वाली चाय, मिठाइयाँ और पनीर, ये बिल्कुल नहीं खाना अगर आपको हेल्दी रहना तो, या फिर बहुत हेल्दी व्यक्ति है तो कम से बहुत ही कम खाए कभी कभी, और जो बीमार व्यक्ति कभी बिल्कुल ना खाए, बीमार व्यक्ति को हम बिल्कुल मना करते हैं आप दूध, दूध वाली चाय, मिठाइयाँ और पनीर मत खाइए। लेकिन जो थोड़ा सा कम बीमार है या हेल्दी है उसको हम कहते हैं कि आपको अगर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ज़रूरत नहीं है जी, ज़रूरत नहीं है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत क्रेजी हो दूध वाले प्रोडक्ट्स के लिए तो दही, लस्सी, मक्खन या उसके बनावा, यानी कि दही से बनी हुई चीज़ें, वो क्लासिकल ढंग से, पुराने ढंग से, पहले दही जमाना है, फिर उसकी लस्सी बनानी है, उसके फिर उससे मक्खन निकालना है, मक्खन से घी बनाना है, तो ये जो क्लासिकल चीज़ें हैं वो रिलेटिवली कम नुकसान करती हैं। एक बात जो मैं भूल गया कब बतानी, कि जो जिम जाते हैं लोग, उनको जिम डाइट बिल्कुल नहीं लेनी। जिम डाइट में इतने ज़्यादा व्यापार है कि वो इतना, इतने अनसाइंटिफिक और इतने हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनके, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, वो जोर ज़बरदस्ती वो जिम वाले बच्चों के ऊपर ठूसते हैं, उनको ये कह के आपके मसल्स बन जाएंगे, और जिम डाइट खिलाते हैं, और जिम बच्चे, जिम वाले इतना डैमेज कर रहे हैं अपनी बॉडी को, और ग्रॉसरी डैमेज करते हैं, बहुत सारे बच्चे यंग डेथ हो रही हैं, और बहुत सारे बच्चों का जो बॉडी है फीमेल लाइक हो जाती है लड़कों की, और उसमें इम्यून ब्रेस्ट डेवलपमेंट आने लगती है, उसमें दूध निकलने लगता है, यहाँ तक हमने हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं देखे हैं उनके, और किडनीज खराब होने लगती हैं। तो ये जिम डाइट को टच नहीं करना। और दूसरी बात, एक्सेसिव प्रोटीन्स, दर्जन दर्जन अंडे खा रहे लोग, दूध पी रहे किलो के हिसाब से, ये बहुत ही वाहियात और
रॉन्ग एडवाइस है, इसको नहीं फॉलो करना। हमको प्रोटीन्स नेचुरल बैलेंस जितने चाहे, जितने हमारी नॉर्मल डाइट में होते हैं उतने ही चाहिए। जो जो लोग एक्सेसिव प्रोटीन्स लेते हैं वो अपने आप को पॉजिटिवली हार्म कर रहे हैं, और जिम डाइट तो बहुत ही खतरनाक और अनसाइंटिफिक ही नहीं, खतरनाक डाइट है। इसलिए जिम डाइट तो बिल्कुल भी नहीं खानी और एक्सेसिव प्रोटीन्स भी नहीं खाने। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया कि दूध आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, गाय का है या भैंस का, दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक है। लेकिन अगर हम घर पे जाके ये बात करते हैं कि पिताजी से बात करते हैं तो वो कहते हैं आपके दादा हमेशा पीते रहे, हमारे परदादा पीते रहे, हम पीते रहे। तो जब तक आप दूध नहीं पियोगे तो कई लोगों की धारणाएँ हैं कि आपका सवेरे पेट ही नहीं साफ होना। तो ये चीज़ को कैसे, इस मत को कैसे हम दूर कर सकते हैं? देखिए दूध जब दूध की हम बात कर रहे हैं, ना तो पुरातन मनुष्य है, मनुष्य है वो, ना वो दूध है, ना वो दूध है ना वो मनुष्य है, दोनों बदल गए हैं। मनुष्य भी बदल गया क्योंकि वो मनुष्य तो बहुत हार्ड वर्किंग था, वो सब कुछ हजम कर लेता था। उसकी जब मैंने जैसे बात की कि 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो उसकी वॉक थी जी। उसके अलावा फिजिकल वर्क था, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी थी जो घर में वो करते थे। इतना ज़्यादा मान लो जैसे वो लोग हंसते थे खिलखिला के और कलकारियाँ मारते थे, वो अपने आप में एक्सरसाइज थी जी। जैसे बच्चे खेलते थे, बच्चों की जो गेम्स थी पुरानी, वो इतनी हार्ड थी वो कि हम जैसे हम मुझे याद है मैं अपने बचपन में हम खेलते क्या थे, खेलते खेलते दरख्त पे दौड़ करके दरख्त पे चढ़ जाते थे, फिर नीचे उतरते थे और ऐसे चढ़ जाते थे जैसे कोई बंदर चढ़ता हो जी। तो ये वो वाला मनुष्य अब नहीं है, हमको ये याद रखना चाहिए। और ना वो दूध है, क्योंकि वो दूध बिल्कुल नेचुरल था। वो गाय भैंस बाहर जंगल में चरने जाती थी, बाहर जाती थी और बाहर से वो 100 किस्म के पौधे जो मेडिसिनल प्लांट से गुणों से उत्प्रोत वो खाती थी, और उनका सबका सेंस जो था वो उसके उनके उसके दूध में आता था। और लेकिन आज का जो गाय भैंस है वो क्या खाता है, वो खुली दौड़ती फिरती थी। आज की गाय भैंस वो 24 घंटे एक जगह बंधी रहती है, एक बार वो इतनी स्ट्रेस में है वो, ना तो हम खोलते हैं उसको। और दूसरी बात, वो जो खाती है क्या है, वो एक डाइट है जो जिसको फीड बोलते हैं, वो फीड इतनी खतरनाक है कि उसमें भांत भांत के केमिकल्स डाले हुए हैं। वो स्टोर में जितनी ज़्यादा रिजेक्टेड जो 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 गंदा गल सड़ जाता है अनाज, वो ला जाके एनिमल फीड में डाल देते हैं और फिर उसको खिलाते हैं। तो ये पूरे का पूरा उसमें इतने पेस्टिसाइड हैं, इतना कुछ उसमें जहर है उसमें। तो ये और मार्केट में जो दूध मिल रहा है, ये सर्वेज ने बताया कि 25% दूध हर वक्त पूरे के पूरा साल 1/4 मिल्क जो है वो नकली होता है। तो ये पैकेट का जो आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग पैकेट का दूध यूज़ कर रहे हैं, तो ये दूध ना तो वो दूध है ना वो इंसान है, इसलिए वो कंपेरिजन ठीक बनता नहीं है। आज के मनुष्य के लिए यही है कि आप दूध वाली चीज़ें मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका दूध बिल्कुल सही है, शुद्ध है, तो फिर आपको अगर बहुत शौक है तो दही वाली चीज़ें ले लीजिए।